मेरा नाम अतुल थापा है, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। एक्चुअली 2013 में पहली बार मेरी वाइफ को तो स्टोन की शिकायत थी, उस समय भी डॉक्टर अरविंद से ट्रीटमेंट कराया था। उसके बाद फिर अगेन 2017 में हुई, तो 17 में जब अरविंद सर ने कहा था तो बोला था इसके बाद अगर स्टोन होता है तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या हुआ, इस बार CBD में स्टोन दो था। तो मैं 26 जनवरी को पहले मैंने अरविंद सर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे राहुल सर का नाम बताया कि सर्जन के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन है सिनर्जी के। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला सर्जरी करनी पड़ेगी, या तो ओपन सर्जरी होगी, पहले हम दूरबीन से ट्राई करेंगे, अगर दूरबीन से हो गया तो वेल एंड बेस्ट, नहीं तो हम ओपन सर्जरी करेंगे। तो 26 जनवरी में मैंने अपनी वाइफ को लेके मैं यहाँ एडमिट कराया। उसके बाद 27 में मॉर्निंग में अराउंड 11 o'clock में सर्जरी रूम में ले जाके उनका ऑपरेट किया गया, जिसमें सर ने मुझे बताया कि नॉर्मली जो दूरबीन से होना था हो गया और बहुत ही अच्छा हुआ। उसके बाद भी फीडबैक के लिए सर ने 28 में जाके एक बार दोबारा अपने ये पेट का CT स्कैन कराया, जिसमें मतलब सर ये कन्फर्म करना चाहते थे कि कोई लीकेज तो नहीं है। तो भगवान की दुआ से एकदम रिजल्ट अच्छा आया और कोई भी लीकेज नहीं था। उसके बाद फैमिली अभी एकदम अच्छा महसूस कर रही है, और मेरे ख्याल से राहुल सर इस सिनर्जी के नहीं, इस देहरादून के सबसे वन ऑफ द बेस्ट सर्जन है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मुझे बहुत मतलब बहुत मैंने झेला है बहुत ही ज़्यादा, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्या करूँ कि अब मैं ठीक हो रही हूँ, शायद आगे भी फ्यूचर में मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। बस मैं सर के लिए और क्या कहूँ कि सर तो हमारे लिए गॉड ही है, कि उन्होंने हमारा इतना, मेरी इतनी प्रॉब्लम थी, कितने सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है मुझे ना, तो मैं बहुत ही सर के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ सर। और सब क्या कहूँगी, और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी सिनर्जी के स्टाफ हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा किया उन्होंने, हमारा टेक केयर बहुत अच्छा किया, तो हम बहुत ही बहुत उनके लिए थैंकफुल हैं। बस